गुड आफ्टरनून बाळको, केम छो? मजामां ने? मारुं नाम चावड़ा भाग्यश्री छे अने हुं तमारी धोरण 4 नी हिंदी नी टीचर छुं। तो बच्चों, कक्षा 4 में हम चैप्टर 1 वर्णमाला स्वर, चैप्टर 2 वर्णमाला व्यंजन, चैप्टर 3 शरीर के अंग, चैप्टर 4 बर्तन, धान्य और आदि, ये 4 चैप्टर हम लोग सीख गए। अभी हम चैप्टर नंबर 5 मेरा मित्र आज हम सीखेंगे। चैप्टर का नाम है मेरा मित्र। तो हमें नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले है पढ़ाई। सबसे पहले मेरा मित्र, मेरा मित्र यानी कि मारो मित्र, पढ़ाई। उसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है पढ़ाई। पढ़ाई इतने के भणतर, हर साल इतने के दर वर्ष, सिर्फ इतने के फक्त। तो आगे हम देखते हैं गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, गोपाल मारो सारो मित्र छे। गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, गोपाल मारो सारो मित्र छे। वह एक चतुर लड़का है, ते एक चतुर छोकरो छे, अथवा तो ते एक होशियार छोकरो छे। पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलता है। पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलता है, मतलब भणवामां तेने दर वर्षे इनाम मळे छे। गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है, गोपाल अमारी क्रिकेट टीम नो कैप्टन छे। कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है, एटले के कैच पकड़वामां ते गोपाल बहुत होशियार छे। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमें एक बीजा ने घणो ज प्रेम करिए छे, अथवा हमें एक बीजा ने खूब ज मान अथवा तो सम्मान आपीए छे। फिर से, गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, गोपाल मारो सारो मित्र छे। वह एक चतुर लड़का है, ते एक होशियार छोकरो छे। पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलता है, भणवामां तेने दर वर्षे इनाम मळे छे। गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है, गोपाल अमारी क्रिकेट टीम नो कैप्टन छे। कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है, कैच पकड़वामां गोपाल बहुत होशियार ने कुशल छे। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमें एक बीजा ने बहु प्रेम मान अने सम्मान आपीए छीए। उसके बाद है स्वाध्याय। तो बच्चों, ये हमने चैप्टर गुजराती और हिंदी में समझ लिया, उसके बाद हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। इतले के कोष्टक मां साचो विकल्प पसंद करी अने खाली जगह पूरवानी छे। तो गोपाल मेरा अच्छा खाली जगह है, तो गोपाल मेरा अच्छा भाई है या मित्र? बच्चों, सही जवाब कौन सा आएगा, भाई या मित्र? तो गोपाल मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो यहाँ पे लिखना है मित्र। तो गोपाल मेरा सबसे अच्छा मित्र है। खाली जगह में उसे हर साल इनाम मिलता है, तो खाली जगह में उसे हर साल इनाम मिलता है, तो उसे हर साल किसमें इनाम मिलता है, पढ़ाई में या खेल में? तो उसे हर साल पढ़ाई में इनाम मिलता है, उसे हर साल पढ़ाई में इनाम मिलता है। गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, गोपाल मारो सारो मित्र छे। खाली जगह में उसे हर साल इनाम मिलता है, तो पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलता है, पण तेने भणवामां तेने दर वर्षे इनाम मळे छे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो नीचे आपेला प्रश्नों ना जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 1 छे, गोपाल कैसा लड़का है, तो गोपाल केवो छोकरो छे? तो गोपाल, तो ये प्रश्न के उत्तर हमें ये दिए गए कोष्टक में से ढूंढ के लिखने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, गोपाल कैसा लड़का है, तो गोपाल केवो छोकरो छे? तो गोपाल मेरा वह एक चतुर लड़का है, तो गोपाल एक चतुर चतुर छोकरो छे। यहाँ पे आंसर जवाब आएगा, गोपाल एक चतुर लड़का है, गोपाल एक चतुर लड़का है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2,
क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, क्रिकेट टीम नो कैप्टन कौन छे, तो हमें कोष्टक में से फिर से जवाब ढूंढना है क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है। तो गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है, एटले कि गोपाल क्रिकेट टीम नो कैप्टन छे। तो क्रिकेट टीम का कप्तान गोपाल है, क्रिकेट टीम का कप्तान गोपाल है। किसमें गोपाल बहुत कुशल है, तो शेमा गोपाल बहुत कुशल था तो होशियार छे। तो कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है, इतने के कैच पकड़ों में गोपाल बहुत कुशल अने होशियार छे। तो वो कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है, कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। उसके बाद है तीनों प्रश्न और उसके आंसर। गोपाल कैसा लड़का है, तो गोपाल एक चतुर लड़का है। दूसरा, क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, तो क्रिकेट टीम का कप्तान गोपाल है। प्रश्न नंबर तीन, किसमें गोपाल बहुत कुशल है, तो कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। उसके बाद है प्रश्न नंबर तीन, गुजराती शब्द के आगे उसका हिंदी शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो हमें नीचे चार गुजराती शब्द दिए हैं और हमें उसका हिंदी शब्द ऊपर दिए गए कोष्टक में से ढूंढ के लिखने हैं। तो सबसे पहले है भणतर, तो भणतर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुजराती मां इन्हें भणतर कहवाए, जैसे हिंदी में उसे पढ़ाई कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा पढ़ाई, भणतर यानी कि पढ़ाई। उसके बाद है फक्त, फक्त यानी कि सिर्फ, गुजराती मां फक्त, चल हिंदी में उसे सिर्फ कहते हैं, फक्त यानी कि सिर्फ। उसके बाद है सारो, सारो यानी कि अच्छा, सारो यानी कि अच्छा, गुजराती मां सारा कहवाय, हिंदी मां जारे तेने अच्छा कहवाय। वर्ष यानी कि साल। फिर से देखते हैं, भणतर यानी कि पढ़ाई, फक्त यानी कि सिर्फ, सारो यानी कि अच्छा, वर्ष यानी कि साल। तो बच्चों ये थे प्रश्न 1, 2 और 3। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 मेरा मित्र, उसके शब्दार्थ और उसका स्वाध्याय आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है।